हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में एनआईटी दुर्गापुर में एमएससी मैथमेटिक कोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको एनआईटी दुर्गापुर में एमएससी मैथमेटिक कोर्स में एडमिशन लेने के पहले कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज मिलेगा। एनआईटी दुर्गापुर में एमएससी मैथमेटिक कोर्स ऑफर किए जाते हैं फॉर एमएससी मैथ स्टूडेंट के लिए। सो बेसिकली आपको प्योर एंड अप्लाइड दोनों मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन कोर्स पढ़ना होगा। इस कोर्स में 25 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए बीएससी में 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स या फिर 6.0 सीजीपीए चाहिए। इसी के साथ फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट में से आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को यूजी लेवल में 2 सेमेस्टर या फिर 1 ईयर पढ़ना होगा एंड 10+2 में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एल्जेब्रा, रियल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैथ। सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, फंक्शनल एनालिसिस, मॉडर्न एल्जेब्रा, जनरल मैकेनिक्स एंड वेरिएशनल कैलकुलस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस लैब। सिमिलरली थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेशन रिसर्च, ग्राफ थ्योरी, फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, प्रोजेक्ट एंड सेमिनार 1। फोर्थ सेमेस्टर में टॉपोलॉजी, जनरलाइज्ड फंक्शन एंड वेवलेट्स, इलेक्टिव 3, इलेक्टिव 4, प्रोजेक्ट एंड सेमिनार 2, ग्रैंड फाइबर। इलेक्टिव 1, 2, 3, 4 में इन सारे 21 सब्जेक्ट में से आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैथ्स फैकल्टी इन एनआईटी दुर्गापुर इज 10। नेक्स्ट सीसीएमएन काउंसलिंग में 2022 में फोर्थ राउंड में 1208 स्टूडेंट तक को जनरल में एनआईटी दुर्गापुर मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 1282 स्टूडेंट तक को, ओबीसी में 1656 तक को स्टूडेंट को, एससी में 5563 एंड एसटी में 6255 स्टूडेंट को एनआईटी दुर्गापुर मिल गया था। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस के लिए आपको 2 ईयर में 30,000 के आसपास पेमेंट करना होगा। वन टाइम फीस ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन 18,500, हॉस्टल फीस के लिए 35,800, एमएस चार्ज के लिए 80,000 रुपया। सो टोटल 2 ईयर एमएससी कोर्स में आपको 1,65,000 के आसपास पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं आपको एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले 60% या फिर 6 पॉइंट सीजीपीए होना चाहिए बीएससी में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के नॉलेज चाहिए। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको यूजी लेवल में 1 ईयर पढ़ना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक एलिजिबिलिटी आपको नहीं है तो एनआईटी दुर्गापुर आपके लिए सही नहीं है। रिसर्च एरिया, एनआईटी दुर्गापुर ने करंटली एल्जेब्रा, क्रिप्टोग्राफी एंड कोडिंग थ्योरी, डिजाइन थ्योरी, पैरेलल एल्गोरिथम, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फजी मैथमेटिक्स, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी, प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, रियल एनालिसिस, टॉपोलॉजी, ऑप्टिमाइजेशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नॉन लिनियर वेव, स्टोकास्टिक डायनामिक्स, कंप्यूटेशनल ग्राफ थ्योरी, नॉन लिनियर डायनामिक्स, कॉम्प्लेक्स डायनामिकल सिस्टम, इन सारे टॉपिक के ऊपर रिसर्च चल रही है। सो बेसिकली एनआईटी दुर्गापुर में रिसर्च का फ्लो या डायरेक्शन अप्लाइड मैथ्स के तरफ है। अगर आप अप्लाइड मैथ्स में इंटरेस्टेड है रिसर्च के लिए तो एनआईटी दुर्गापुर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, एनआईटी दुर्गापुर का जो प्लेसमेंट रेशियो है 2001 और 2022 बैच में बहुत ही ख़राब है। टोटल 91 स्टूडेंट एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, इनमें से सिर्फ 4 ही स्टूडेंट का ही प्लेसमेंट हुआ है, बाकी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। बायजूस में 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है एंड आकाश में 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी एनआईटी के रिव्यू के बारे में डिस्कस करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।